नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में हुआ कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा, बुजुर्गों से अनुशासित रहता है समाज। वार्षिक निरीक्षण में आईजी ने किया परेड मुआयना। थानेदार से जवान तक दिखे मुस्तैद, अच्छी पुलिसिंग के लिए दिए निर्देश। बिलासपुर धाम में माता भगवती का कुंभाभिषेक महोत्सव। श्री लक्षार्चन और भजन संध्या से भक्त होंगे आह्लादित। और अयोध्या काशी विश्वनाथ की यात्रा पर गया श्रद्धालुओं का जत्था। रामलला दर्शन योजना से बड़ा उत्साह। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर कतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरबा चौक बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 1 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन व्यापार विहार के त्रिवेणी भवन में किया गया। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। इस अवसर पर उनके लिए कई तरह के कार्यक्रम हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा, समाज अनुभव और दूरदर्शी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में अनुशासित रहता है। वे हमारी धरोहर है। इनकी सेवा ईश्वर की आराधना करने के समान है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान और निगम आयुक्त अमित कुमार ने वरिष्ठ जनों का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया। आप हमारे गौरव हैं, आप हमारे पूंजी हैं और आप हमारे अनुभव के खजाना है। गांव में कहावत है छत्तीसगढ़ ही में, सियान बिना ध्यान नहीं हो है। जिस घर में बुजुर्ग होते हैं, मैं तो इतना कह सकता हूं कि माता पिता घर में कोई बुजुर्ग है, भले ही वो बिस्तर में है, लेकिन जब वो घर में मौजूद होते हैं तो घर वालों की जो ताकत होती है, तो घर वालों का साथ होता है, वो बिलासपुर कलेक्ट्रेट का प्रतीक्षालय ज्यादा आकर्षक और सुविधापूर्ण बनाया है। यहाँ महात्मा गांधी के दांडी मार्च की अनुकृति लगाकर इसे नया लुक दिया गया है। गार्डन वाला नया प्रतीक्षालय गांधी जयंती पर लोकार्पित किया जाएगा। बिलासपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट आने वाले यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी स्मृति देख गर्व महसूस करेंगे। दांडी मार्च की प्रतिकृति के दोनों तरफ नया प्रतीक्षालय बनाया है। इसके बीच में गार्डन में गुलाब समेत कई प्रजातियों के पौधे लगाए हैं। शाम के समय आकर्षक लाइट लगी फाउंटेन का नजारा आंखों को सुकून देगा। भारत की आजादी में नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया आंदोलन मील का पत्थर साबित हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। ये यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक निकाली गई थी। तकरीबन 78 लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था, हवा और पानी के बाद नमक शायद जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नमक का कानून और अंग्रेजों के अहंकार पर बापू की दांडी यात्रा का अहिंसात्मक प्रहार हुआ। स्वाधीनता से जुड़े इस स्मारक और नए प्रतीक्षालय का महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टोरेट में शांति की मुद्रा वाली महात्मा गांधी को मिलाकर ये दूसरी प्रतिमा है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी बिलासपुर। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले में जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ में भी इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में जनजाति समाज का गौरवशाली
अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने की। सीएम सहित अतिथियों ने इस अवसर पर जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अपने देश के लिए संघर्ष करने की परंपरा जनजाति समाज में प्रारंभ से रही है। शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर जैसे अनेक महान नायकों ने अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, जनजातीय संस्कृति में गहरी आध्यात्मिकता छिपी है। प्रकृति को सहेज कर उसके अनुकूल जीवन जीना उनके परंपरा में है। भगवान बिरसा मुंडा का शौर्य हमें हमेशा जीवन में साहस की राह दिखाता है। जिला पुलिस का वार्षिक निरीक्षण करने आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला पुलिस स्टैंड पहुंचे, जहां परेड की सलामी के बाद उन्होंने परेड किट, परेड व्हीकल, टूल्स परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों का करीब से अवलोकन किया। इस दौरान एसपी रजनेश सिंह भी उनके साथ थे। आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। पुलिस महानिरीक्षक के साथ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह थे। यहां परेड किट के साथ आईजी ने अधिकारी कर्मचारी के पास पहुंचकर उन्हें बारीकी से देखा और आवश्यक जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पुलिस डॉग ने भी आईजी को सैल्यूट किया। निरीक्षण के बाद आईजी ने परेड की सलामी ली। आरआई भूपेंद्र गुप्ता और उप निरीक्षक विष्णु यादव ने परेड का नेतृत्व किया। थानेदार से लेकर जवान परेड में शामिल हुए। आईजी ने इस दौरान व्हीकल टूल्स परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने एक एक वाहन की बारीकी से जानकारी ली। आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान उन्हें जिला पुलिस की तैयारियां अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप बिलासपुर में अच्छी पुलिसिंग हो रही है, सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस विभाग में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। पुलिस लाइन में परेड बलवा ड्रिल का जो अभ्यास होता है वो कार्रवाई की गई और उसके बाद अपने जवानों के साथ और अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत हुई, जिसमें जवानों के जो गुजारिश थी, उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं थी और उनके जो सुझाव थे वो सुने गए और उस पर कुछ चीज़ों पे निर्णय भी लिया गया। जो अच्छे सुझाव आए उस पर कार्रवाई करने के, और उसके साथ ही साथ जो पुलिस लाइन के रूटीन के काम होते हैं, जो वाहन शाखा है, शस्त्र शाखा है आदि आदि हैं, उनके कार्यों की समीक्षा की गई। वार्षिक निरीक्षण के दौरान आईजी ने पुलिस लाइन में बने चेतना बाल उद्यान का लोकार्पण भी किया। आईजी ने दरबार लगाकर अपने माताहतों की समस्याएं सुनी। वहीं अच्छा और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी और जवानों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें इनाम दिया। लोकसभा टीवी के लिए आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव कुमार शुक्ला ने एसपी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। आगमन पर पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी ने इस दौरान संचालित सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भवन जर्जर होने के कारण उन्होंने नया भवन निर्माण करने एसपी को निर्देश दिया। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण को पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला को पुलिस कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कुमार कश्यप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उद्यन बेहर सहित अधिकारी उपस्थित रहे। वार्षिक निरीक्षण के दौरान आईजी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संचालित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शाखा प्रमुख और कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना। एसपी ऑफिस में मुख्य लिपिक, शिकायत शाखा, विधि शाखा, डीएसबी ब्रांच, डीसीबी ब्रांच, डीसीआरबी, अपराध शाखा, स्थापना शाखा, फंड शाखा और जन सूचना शाखा के कामकाज की आईजी ने जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भवन, छत और दीवार की जर्जर स्थिति को देखकर आईजी ने तत्काल नए भवन के कामकाज को जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए। एसपी ऑफिस में एसपी ऑफिस के जो कार्य हैं, जो पूरे वर्ष भर में जो काम यहाँ हुए हैं उनका निरीक्षण और उनकी समीक्षा की जा रही है। अच्छा रहा, पुलिस में तो काम लगातार सभी लोग कर रहे हैं और अपने अपने स्तर पर हर आदमी अपनी योग्यता के अनुरूप काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी सही है कि
हम सब में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कभी भी हम लोग शत प्रतिशत नहीं हो पाते हैं, तो अपने अपने जगह पे सभी लोग अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर और जो और चीज़ें हैं उसके आधार पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको और सुधार लाएं और कर्मचारियों का शत प्रतिशत उसमें योगदान हो सके। एसपी कार्यालय के छत का छड़ भी बाहर झांकने लगा है। वहीं सभी कक्षों की दीवारों में सीलन है, जिससे रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज के खराब होने की बात कहते हुए आईजी ने जरूरी उपाय करने को कहा ताकि दस्तावेज सुरक्षित रहे। नया भवन स्वीकृत हो गया है, उसका मेरे ख्याल से टेंडर भी हो गया है, भूमि पूजन भी हो गया है। भूमि पूजन भी हो गया है, तो नया ये भवन सच में काफ़ी अभी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ने लगी अब इस भवन को, और इस भवन में अब आगे इसको चलाने में कठिनाई होगी। तो मुझे लगता है कि अगले बारिश के सीजन तक संभव है कि नया भवन बनके तैयार। निरीक्षण के दौरान आईजी अपने मातहतों के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस में हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। इस दौरान आईजी ने एसपी कक्ष में बैठकर दस्तावेजों और रिकॉर्ड का अवलोकन किया और जरूरी निर्देश भी दिए। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कोतवालिया चकरभाटा सीएसपी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों को सूचना तंत्र मजबूत करने निर्देश दिया। उन्होंने कहा सूचना तंत्र के माध्यम से कम एक मामले में अपराधी को पकड़ने का प्रयास होना चाहिए। वार्षिक निरीक्षण के दौरान आईजी ने थाने के रिकॉर्ड की भी समीक्षा की। सीएसपी कार्यालय में दस्तावेजों का अवलोकन कर उन्होंने अधिकारियों से पूछपरख की। इसके साथ ही थानेदार से क्षेत्र के गुंडे और निगरानी शुदा बदमाशों की जानकारी मांगी। निरीक्षण के दौरान आईजी ने अधिकारियों को बेसिक पुलिसिंग की अहमियत बताई। सड़क किनारे बस खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले राजधानी बस सर्विस के संचालक पर नगर निगम ने जुर्माना लगाया है। पुराना बस स्टैंड से टैगोर चौक के बीच सड़क से लगकर बस खड़ा करने के मामले में संचालक को पहले भी कई बार नोटिस दिया है। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बस जब्त करने की चेतावनी देते हुए 25,000 रुपए जुर्माना देने कहा है। इस दौरान बस सर्विस के मैनेजर ने प्रभारी प्रमिल शर्मा को सफाई देते हुए बताया कि ब्रेक डाउन होने के कारण बस खड़ा किया गया, मरम्मत होने के बाद इसे हटा देंगे। इस पर आयुक्त का आदेश बताकर जुर्माना राशि अदा करने कह दिया है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इनको कई बार समझाइश भी दी जा चुकी थी कि यहाँ बस का वो ना करें, कोई रोड ब्लॉक होता है, और कई बार कंप्लेंट भी आ चुकी, इनके द्वारा माना नहीं गया। फिर अभी हमने बीच में भी इनके ऊपर जुर्माना किया था, बसें जब्ती करनी थी, उस समय भी इनको समझाया था यहाँ बस नहीं खड़ी करेंगे। फिर ये आनंद होटल के सामने शिफ्ट आगे के बगल में फिर होटल ये बसें खड़ी कर दी थी, 6 बसें, तो आज माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से जब्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर श्रीधाम परिसर में राजराजेश्वरी देवी का कुंभाभिषेक महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर स्थापना को 12 वर्ष पूरे होने पर 3 से 17 अक्टूबर तक यहां विविध धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम होंगे। बिलासपुर धाम श्री राम मंदिर परिसर स्थित राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती मंदिर का 12वां वार्षिक उत्सव भक्ति और उल्लास से मनाया जाएगा। श्री राम मंदिर बलखंडी बाबा न्यास के अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी मंगत राय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन की जानकारी पत्रकारों से साझा की। उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होने वाले वार्षिक उत्सव के सभी कार्यक्रमों की तैयारी समस्त न्यासीगण पदाधिकारी और आजीवन सदस्यों के सहयोग से पूर्ण कर ली गई है। माँ भगवती के प्राण प्रतिष्ठा का ये वार्षिक उत्सव श्री लक्षार्चन से खास रहने वाला है। 3 अक्टूबर को श्रीमद् भागवत देवी महापुराण कथा का वाराणसी के कथाव्यास आचार्य हितेंद्र पांडे महाराज शुभारंभ करेंगे। 11 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ इसका समापन किया जाएगा। एक दिन विश्राम के बाद 13 अक्टूबर को माता का श्री लक्षार्चन किया जाएगा। वाराणसी के विशेश्वर दातार महाराज के मार्गदर्शन और सानिध्य में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती का 1,00,000 वस्तु से अर्चन होगा। वैदिक विधान से किया जाने वाला मां भगवती का श्री लक्षार्चन देखना अद्भुत और अलौकिक होगा। 3 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन है। इसी हाल में कथा के जो वाचक हैं वो हैं श्री हितेंद्र जी पांडे वाराणसी के। इसके पश्चात एक दिन का विश्राम 12 तारीख को है और 13 तारीख से माता भगवती
जिनका कि 12 साल उनकी प्रतिष्ठा को पूर्ण हो रहा है शरद पूर्णिमा को, उनके मंदिर में लक्षा अर्चन का कार्यक्रम होगा। उसके जो कार्यक्रम को जो संचालित करेंगे वाराणसी के श्री दातार जी महाराज हैं। 17 तारीख को पूर्णाहुति होने के पश्चात 11 तारीख के दोपहर को भी और 17 तारीख को दोपहर को भी कन्या भोजन होगा दोनों दिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बलखंडी न्यास के उपाध्यक्ष राजेंद्र खेड़िया, सचिव दीपक मोदी, न्यासीगण मनोज भंडारी, आनंद सोनी और न्यासी द्वय अनिल अग्रवाल ने बताया, भक्ति और उत्साह के बेला में जब शारदीय नवरात्र चल रहा होगा, ऐसे पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत की समाप्ति पर 11 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर माता जी को सवा मनी भोग लगाने के बाद दोनों अवसर पर यहां कन्या भोज कराया जाएगा। वार्षिक महोत्सव का अंतिम आकर्षण होगा प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर की भक्तिपूर्ण संध्या, जिसमें वो अपनी मधुर आवाज से श्रद्धालुओं को आह्लादित करेंगी। 17 अक्टूबर को रात 8 बजे से भजन संध्या होगी। सभी कार्यक्रम श्री खाटू श्याम मंदिर और श्री राम मंदिर बिलासपुर धाम परिसर में होंगे। बताया जाता है मंदिर प्रबंधन समेत वार्षिक उत्सव को लेकर देवी भक्तों में उत्साह कायम है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। शक्ति की आराधना का महापर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। मूर्ति कला को पूजा मानने वाले अब महंगाई के चलते इस व्यवसाय से अपने आप को अलग करते जा रहे हैं, क्योंकि मूर्तियों को जीवंत बनाने के लिए वे जो चटक रंग भरते हैं उससे उनके जीवन का रंग उतरता जा रहा है। शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। कलकत्ता से आए इन कलाकारों को मूर्ति कला विरासत में मिली है। इनके पूर्वज भी मूर्ति कला को व्यवसाय के बजाय पूजा मानते थे। अब मूर्ति कला व्यवसाय बन गया है, लेकिन महंगाई की मार ने इसे भी अछूता नहीं छोड़ा। मूर्ति बनाने में मिट्टी, रेत, पैरा, कपड़ा और नकली जेवरों पर सर्वाधिक लागत आती है। आपको यह बता दें कि दुर्गा की जो प्रतिमाएं दिख रही हैं वह कलकत्ता के गंगा किनारे की महीन मिट्टी से बनी है। इसकी खासियत यह है कि ये चमकदार होने के साथ यह फटती नहीं है। चूंकि प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसलिए इसके श्री विग्रह की पवित्रता का ध्यान भी मूर्तिकार रखते हैं। पर अब मूर्तिकला में मुनाफे सरीखी की बात नहीं है। कलकत्ता के ये कलाकार मिट्टी सहित जरूरी सामग्रियां लेकर 4 महीने पहले यहाँ आते हैं। मूर्ति का ढांचा, फिर मिट्टी का लेप और उसे सुखाने में काफी समय लगता है। यहाँ सैकड़ों मूर्तियां हैं, इनमें से ज्यादातर फिनिशिंग टच की स्थिति में है। हम लोग 4 महीना पहले आ जाते हैं, ठीक है, और पहले से सामान बहुत कम रुपए में मिलता है, कम रेट में, और इस बार तो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। जो बांस हम लोग पहले 100-150 में मिलता था, इस साल 250-300 रुपए हो गया एक बांस। परेशानी तो बहुत होता है, पहले तो सब कुछ मिल जाता है, जैसे इस साल लोकरी के लिए बहुत परेशान हो गया था, लोकरी नहीं मिल रहा था। छत्तीसगढ़ में दुर्गा उत्सव मनाने की परंपरा की अपनी अलग ही कहानी है। सन 1890 में जब मुंबई, नागपुर और कोलकाता रेल लाइन बिछाई गई, उस समय रेलवे की नौकरी बंगला भाषियों को यहाँ खींच लाई। उनके साथ उनकी परंपरा, खासकर दुर्गा पूजा, हमारी सांझी संस्कृति का हिस्सा बन गई। इसे वक्त का तकाजा कहें या नियति, पारंपरिक रूप से मिट्टी की प्रतिमाएं गढ़ने वाले कलाकार अब इस धंधे से खुद को अलग करते जा रहे हैं, क्योंकि मूर्तियों को जीवंत बनाने के लिए वे जो चटक रंग भरते हैं उससे उनके जीवन का रंग उतरता जा रहा है। उसकी आंच भी पेट की आग बुझाने में असमर्थ है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। राज्य में 10 अक्टूबर के बाद वर्षा ऋतु की विदाई हो जाएगी। बिलासपुर में 4 दिनों से आसमान में काले घने बादलों का डेरा था, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई, जिसके चलते दिन में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हुए। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आएगी। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में नमी का आगमन लगातार जारी है, जिसके कारण स्थानीय प्रभाव से प्रदेश में 2 अक्टूबर को 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
लाल खदान के पास दो मुहानी क्षेत्र विकास से दूर दिखता है। मूलभूत सुविधाओं में कमी के कारण नागरिक कई सालों से जूझ रहे हैं। जिला मुख्यालय से केवल 8 किलोमीटर दूर दो मुहानी बस्ती में नाली नहीं बनाने से सड़क पर पानी पसरा रहता है। बारिश के दिनों में पानी निकासी की समस्या से लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। अक्सर सड़क पर पानी जमा रहता है, इससे आने जाने में स्थानीय लोगों को, खासकर स्कूली बच्चों को दिक्कत होती है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में हुआ कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा, बुजुर्गों से अनुशासित रहता है समाज। वार्षिक निरीक्षण में आईजी ने किया परेड मुआयना। थानेदार से जवान तक दिखे मुस्तैद, अच्छी पुलिसिंग के लिए दिए निर्देश। बिलासपुर धाम में माता भगवती का कुंभाभिषेक महोत्सव। श्री लक्षार्चन और भजन संध्या से भक्त होंगे आह्लादित। और अयोध्या काशी विश्वनाथ की यात्रा पर गया श्रद्धालुओं का जत्था। रामलला दर्शन योजना से बड़ा उत्साह। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरबा चौक बिलासपुर। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन से 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या और काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हुआ। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। जत्थे में बिलासपुर संभाग के सभी जिलों के श्रद्धालु शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर शुरू की गई श्री रामलला दर्शन योजना के तहत चलाई जा रही विशेष ट्रेन मंगलवार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हुई। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा। वे भगवान राम का जय जयकार करते हुए यात्रा पर निकले। रामलला दर्शन कराने की योजना के लिए दर्शनार्थियों ने मुख्यमंत्री साय को धन्यवाद दिया और कहा, अयोध्या के दर्शन हम जैसे लोगों के लिए असंभव था, लेकिन मुख्यमंत्री की पहल से वहां पहुंचकर दर्शन संभव हुआ है। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यात्रा के दौरान सभी को काशी विश्वनाथ का दर्शन और अयोध्या धाम में श्री रामलला दर्शन के साथ ही वहां स्थित अन्य मंदिरों में जाने का अवसर मिलेगा। अयोध्या के लिए यहां से बिलासपुर से ट्रेन प्रस्थान किए हैं और कल ये सब पहुँच जाएंगे, काशी विश्वनाथ जी के, बाबा जी के दर्शन करेंगे और वहाँ दर्शन, गंगा स्नान और स्नान के बाद में पूजा पाठ, और उसके बाद में परसों फिर अयोध्या पहुँचेंगे और भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। अयोध्या में जो भी हम घूमने के लायक जगह है, जहाँ गढ़ी है, हनुमान गढ़ी है, बाकी जो जगह है वहाँ पर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और इस ट्रेन में 850 यात्री बिलासपुर संभाग के हमारे रवाना हुए हैं। प्रत्येक महीना ये ट्रेन निकल रही है और हर संभाग से ट्रेन जा रही है। बिलासपुर संभाग से 850 है और बिलासपुर ज़िले से 225 लोग हैं। सभी विधानसभा के जो पात्र लोग हैं उन लोगों को भेजा गया है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब आभार व्यक्त करते हैं और उसके कारण छत्तीसगढ़ की खुशहाली की सभी कामना करते हैं। इस स्पेशल ट्रेन में बिलासपुर संभाग के सभी जिले के 850 यात्री सवार हुए। इनमें बिलासपुर जिले के 225 यात्री शामिल हैं। इस दौरान बिल्हा विधायक के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, सीईओ आरपी चौहान समेत आईआरसीटीसी के अधिकारी, कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से कार, ऑटो के अलावा स्टाफ पार्किंग दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले अस्थायी पार्किंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। बुधवारी बाजार की तरफ इस अस्थायी पार्किंग में वाहनों को रखने की व्यवस्था बनाई जा रही है। कुछ ही दिनों में यहां कार और ऑटो पार्किंग शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्टिंग के बाद पुरानी पार्किंग में तोड़फोड़ और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सिम्स में मंगलवार को 3 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली बंद रही। इस दौरान मरीज और उनके परिजन परेशान रहे। हालांकि आपातकालीन वार्डों में जनरेटर से सुविधाएं बहाल रही, जबकि दूसरे वार्डों में भर्ती मरीज परेशान हुए। वार्डों में अंधेरा छाया रहा। सिम्स के मेडिकल कॉलेज में भी विद्युत आपूर्ति ठप रहने से कामकाज प्रभावित हुआ। बताया जाता है ट्रांसफार्मर में आए फॉल्ट के कारण सुबह से बिजली गुल थी। सुधार के बाद सभी ने राहत की सांस ली।
अधिकारी से मिलने के लिए आया तो देखा तो पता चला 10:30 बजे की लाइट बंद, और देखा यहाँ की व्यवस्था जो है बच्चे भी परेशान, मरीज भी परेशान, और व्यवस्था बहुत चरमराई सी है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं इनसे मिला भी, प्रयास भी किया, अधिकारी कर्मचारी से, मूर्ति जी से भी संपर्क किया, वो बताया कि अभी मैं बच्चों का क्लास ले रहा हूँ अंबिकापुर में, 2 जगह प्रभार है मेरा, तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि व्यवस्था को सुधार करें और थोड़ा कड़ाई से करें। व्यवस्था मरीजों के लिए भी बहुत तकलीफ है और बच्चों को भी बहुत तकलीफ है, पार्किंग की व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ। मरवाही वन मंडल में 2 ग्रामीणों की जान लेने और 5 को घायल करने वाले भालू की कानन पिंडारी जू में उपचार के दौरान मौत हो गई। जू के ही अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद वन अफसरों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। मरवाही वन मंडल में आतंक का पर्याय बने भालू की मौत हो गई है। मृत नर भालू की उम्र 9 से 10 साल थी। भालू के आक्रामक होने के कारण उच्च अधिकारियों ने उसका रेस्क्यू करने के निर्देश दिए थे। रेस्क्यू दल ने कुछ घंटे की मशक्कत के बाद उसे बेहोश कर पकड़ लिया। बेहोश भालू के शरीर की जांच में 4 जगहों पर टांगी से हमले के निशान मिले हैं। जख्म गहरा होने के कारण भालू को उपचार के लिए रविवार देर रात कानन पिंडारी जू लाया गया था। वन्य प्राणी चिकित्सक पी के चंदन घायल भालू का इलाज कर रहे थे। जू प्रबंधन उसकी जान बचाने हर संभव प्रयास किया। बीती रात 11 बजे के करीब उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घाव गहरा था, उसमें खून बहने और इन्फेक्शन होने के कारण उसकी जान चली गई। रात में ही जू प्रबंधन ने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिस पर अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व के संचालक व डिप्टी डायरेक्टर UR गणेश, SDO गोपाल सिंह राजपूत समेत कर्मचारी पहुंच गए। जू के चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद भालू का अंतिम संस्कार जू परिसर में ही किया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेंज के 7 जिलों के थानों में जब्त मादक पदार्थों का ग्राम मोहतराई के एक निजी प्लांट में नष्टीकरण किया गया। ड्रग डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष और IG डॉक्टर संजीव शुक्ला के साथ समिति के सदस्य और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्यवाही की गई। न्यायधानी में ड्रग डिस्पोजल समिति बिलासपुर रेंज ने गांजे का नष्टीकरण किया है। बिलासपुर जिले सहित रेंज अंतर्गत आने वाले जिले के कुल 275 प्रकरणों में 26 क्विंटल ग्राम गांजे का नष्टीकरण हुआ है। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और सक्ती जिले में जब्त मादक पदार्थों का कोने स्थित सुधा बायो पावर प्लांट में नष्टीकरण किया गया। बिलासपुर रेंज IG डॉक्टर संजीव शुक्ला, बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, रेंज अंतर्गत जिले से आए पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गांजा का नष्टीकरण किया गया। इस दौरान गांजा का पौधा, ब्राउन शुगर, चरस, MDM, सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन को नष्ट किया गया। नारकोटिक्स के जो भी जब्त प्रकरण थे जिलों के, आज उसका जो IG की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उस कमेटी के द्वारा प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल की सहमति से यहाँ नष्टीकरण हो रहा है। 275 प्रकरणों में 2588 किलो गांजा है, 367 टन गांजे के पौधे हैं, उसके अतिरिक्त ब्राउन शुगर, चरस, MDM, सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन आदि आदि जो भी NGPS एक्ट की जब्त सामग्री है, उस सभी सामग्री के नष्टीकरण की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। नष्टीकरण के दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान सभी जिले से आए पुलिस अधिकारियों ने अपनी निगरानी में गांजा नष्टीकरण कराया। AIG मधुलिका सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कुमार कश्यप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा, IPS पूजा कुमार सहित जिले के थानेदार कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा TV बिलासपुर। होटल सिल्वर ओक के बार में देर रात शराब पीकर नाच रहे युवकों के बीच धक्का मुक्की को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान दूसरे पक्ष के युवकों ने मिलकर एक पक्ष की पिटाई की। इसी बात को लेकर अभिषेक और उसके साथी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। मना करने पर अभिषेक ने अमितेश पर चाकू से हमला कर दिया। यह देख राहुल ने बीच बचाव की कोशिश की, जिस पर अभिषेक ने उस पर भी हमला कर दिया। हमले में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि पूरी घटना सिल्वर ओक के बार में घटित हुई है, फिर भी बार के मैनेजर और बाउंसरों ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी, लिहाजा बार के मैनेजर और बाउंसरों पर भी कार्यवाही की जा रही है। होटल सिल्वर ओक बार में
कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे, डांस के दौरान उनके बीच छोटा मोटा विवाद हुआ। इस बात को लेकर वहां के बाउंसरों द्वारा उनको बाहर कर दिया गया। आरोपी अभिषेक एंथोनी द्वारा अमितेश कारे और राहुल डाहिरे को जो बर्फ तोड़ते हैं उसकी नुकीले उसकी नोक से चोट पहुंचाया, जिससे कि दोनों को चोट आई है, दोनों सिम्स में भर्ती हैं। बार के बाउंसरों द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई लड़ाई झगड़े की, इसलिए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्हा थाना क्षेत्र के मंगला में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं लाश 10 से 12 दिन पुरानी होने की वजह से पूरी तरह सड़ गई थी। इस दौरान पता चला कि गांव का ही रहने वाला 25 वर्षीय लखन पटेल कुछ दिनों से लापता था। परिजनों ने इसकी रिपोर्ट बिल्हा थाने में की थी। हुलिये के आधार पर परिजनों ने इसकी पहचान कर ली है। पुलिस इस मामले में भले ही मर्ग कायम किया है, मगर परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है। उसके बाद पुलिस जांच की दिशा तय करेगी। मैं रहता हूं। 10 दिन पहले मैं गुमशुदा लिखा रहे हमारे भाई के थाना में गुमशुदा लिखा रहे हैं, जो कि आज मेरे घर के सामने रोड के बाजू में दो खेत के पास उसका लाश मिला है, जो कि सड़ गल गया है। मुझे उसी सट के मुताबिक पहचान मिला है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।